सागर से बड़ी खबर, खाई में ऑटो गिरने का मामला, दो महिलाओं के इस हादसे में मौत हो गई, सात की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ, ऑटो में सवार महिलाओं में से दो की मौत हो गई। दरअसल ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे, घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और ये ऑटो जिसमें काफी ज्यादा लोग थे और खाई में ऑटो पलटा और दो लोगों की मौत हो गई हादसे में। आपको बता दें कि ऑटो खाई में पलट गया, जिसकी वजह से दो महिलाओं की जान चली गई। दरअसल सात लोगों की हालत यहां चोट लगने की वजह से गंभीर बनी हुई है। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ था और ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे और इसमें से दो महिलाओं की मौत हो गई है। और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, वो तस्वीरें जो सागर से सामने आई। ऑटो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, सड़क से सड़क के किनारे गहरी खाई में ऑटो पलट गया और दो महिलाओं की मौत हो गई इस हादसे में। करीब करीब दो दर्जन लोग इसमें सवार थे और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो जो ऑटो पलटा हुआ है उस ऑटो में करीब करीब दो दर्जन लोग सवार थे। और इनकी हादसे के बाद की स्थिति क्या है, इस पर भी डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सात लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, दो की मौत हो चुकी है और बाकी को भी हल्की फुल्की चोट आई है। ऑटो खाई में पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, सात लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। बीना सागर मार्ग पर यह हादसा हुआ है और ऑटो में करीब दो दर्जन लोग सवार थे। बीना सागर मार्ग पर हुए इस हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई, जबकि सात लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और दो दर्जन के करीब लोग ऑटो में सवार थे। तो काफी संख्या में लोग ऑटो में सवार थे, ओवरलोड तो था ही ये, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहे ओवरलोड होने के अलावा, उस वक्त क्या कारण रहा जो ये ऑटो पलट गया, गहरी खाई में गिर गया और दो महिलाओं की जान चली गई। हालांकि दो दर्जन लोगों का ऑटो में सवार होना सवाल खड़े करता है। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के भाई की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। बीजेवाई